assumption तो ये है कि वो constructive होगी because we live in a society that is educated, सही है, तो आप assume ये कर रहे हैं कि criticism constructive होनी चाहिए, तो whether or not that criticism is constructive, आप उसमें से अपना मकसद उठाए ना, don't take it personally, realize the value of it, सही है, ask for specifics, for example मैं इसे कहती हूँ and I know her because I would criticize अगर ऐसा बंदा criticize करे जो जानता ही नहीं आपको तो फिर वो तो और भी बहुत गलत है पर supposing if I know and if I tell her yeah these shoes won't match your dress सही है these shoes won't match what are you wearing this is not good you should wear you know वो क्या कहते हैं उसको जो बंद वाले shoes होते हैं pumpies you should wear pumpies with that's what he said और ऐसी चीज़ जो wear pumpies with it so she might not like it but she can be offended with it sahi hai but if she wants to take it as constructively as you know the kind of person that she is that she takes criticism as per because koi aap se kuch keh raha hai chahe acche mood mein chahe bure mood mein wo usually aapne kuch kiya hota hai kuch to galat hota hai jisko wo keh raha hota hai sahi hai if she takes it then she says ki acha ye nahi to main kya pehnu ask for specifics agar samne wala aise struggle kar raha ho to waise nikal jayega आपके ये सवाल क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तो अगर वो वाकई जेन्युइन होगा तो वो आपसे कहता है यार पता इसके साथ जो है ना वो पंपीज अच्छे लगेंगे यू शुड वेयर दोस देन दैट टेल्स यू कि यस द सामने वाला वाज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग टू बी कंस्ट्रक्टिव क्योंकि वो कहता है कि आप इसमें ज़्यादा अच्छे लगोगे सही है आस्क फॉर हेल्प फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है आपने एक अभी आप टेक ट्रेनिंग कर रहे हैं सही है आपने एक एचटीएमएल पेज बनाया और मैंने आपसे कहा कि ये क्या बनाया है दिस इज नॉट राइट ये तो यू नो वेस्ट सो मच स्पेस है दिस इज नॉट गुड यू आस्क मी फॉर स्पेसिफिक्स क्या गलत है इसमें ठीक है सो यू हैव टू हैव देन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि देखो इसमें ये गलत है आई डोंट लाइक द वे यू स्ट्रक्चर इट आस्क फॉर हेल्प अच्छा मैं इसको सही कैसे करूँ हाउ डू आई फिक्स इट आप मुझे बताएं हाउ डू आई फिक्स इट सही है सो That is how you should take constructive criticism. Share your progress. जब फिक्स आप अगर मैंने आपने मुझे कहा कि अच्छा मुझे बताएं इसको फिक्स कैसे करेंगे आई टेल यू हाउ टू फिक्स इट यू नो यू शुड इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेबल्स स्टार्ट यूजिंग डी आई वीज ये कर लें वो कर लें आई विल टेल यू अगर आप एंड इफ यू लाइक वट आई एम टेलिंग यू देन शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ठीक है आप मुझे बताएं कि ठीक है ये मैंने आपने बताया था ना मैंने ये किया ये हो गया वट विल दैट डू दैट विल टेल मी कि यू टुक माई वट आई टोल्ड यू टुक इट सीरियसली और आपने वाकई खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश की और अगर मैं आपको जवाब देती हूँ उसका आई एम सो हैप्पी दैट बेसिकली टेल्स यू वट आई वो सेम इज वॉज मेरे दिमाग में था कि मैं कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रही हूँ दोनों बातें क्यों कर दी अर फीडबैक मिरर वट इज दिस मीन दी अर फीडबैक मिरर थोड़ा सा उसको फीडबैक मिल रही है सामने वाले से बताने के लिए ठीक है कि अगर आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं आई एम गोइंग टू रिटर्न द फेवर ठीक है आई एम गोइंग टू रिटर्न द फेवर एंड इन अ गुड वे क्योंकि आपने मुझे क्रिटिसाइज किया आई टुक इट पॉजिटिवली आई फिक्स माई सेल्फ Now, it's not कि मैं मौका ढूंढ रही हूँ कि अब मैं तुम्हें कब क्रिटिसाइज करूँ इट्स लाइक कि यू शुड हैव दैट ट्रेट इन यू कि अगर आप कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो आप कहें कि ये गलत है दिस इज रॉन्ग यू शुड फिक्स इट और सामने वाले को जो है उस चीज़ को समझना चाहिए कि हाँ ये इसलिए कह रहा है वही मैंने बात की ना कि फर्स्ट टाइम जो है सामने वाले को गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट आप जब भी किसी से फर्स्ट टाइम आपको क्रिटिसाइज करता है आप किसी से मिलते हैं वो आपसे कहता है कि हाँ ये गलत है गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि हाँ ये कंस्ट्रक्टिव होगा ये इसलिए कह रहे होंगे कि जो है मैं वाकई में ये गलत कर रहा हूँ ठीक है सो एंड देन ये फीडबैक मिले मतलब खुद भी कोशिश करें अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है तो जस्ट डोंट वॉक अवे प्लीज नए पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है जस्ट डोंट वॉक अवे आप जो है उसको बताएं कि यार ये गलत हो रहा आई थिंक दिस कैन बी डन बेटर दिस वे ऑलराइट हाउ टू गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अब अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप एक्चुअली क्रिटिसिज्म दे रहे हैं फॉर एग्जांपल आप किसी उसमें बैठे रहे हैं कोई कंपटीशन हो रहा है या कोई स्पीच का कंपटीशन हो रहा है और आप वहाँ पे जज बने बैठे हैं सही है अब आप
क्रिटिसिज्म देंगे, सही है, उसको कंस्ट्रक्टिव कैसे करेंगे, फीडबैक सैंडविच PIP, पॉजिटिव इम्प्रूव पॉजिटिव। मेरे ऑफिस में जब मुझे किसी को क्रिटिसाइज करना होता है ना, तो मैं उसको बुलाती हूँ पहले, फिर उसको कहती हूँ आप ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव करें, लेकिन ये बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव इम्प्रूव पॉजिटिव सैंडविच, सही है। एंड लेट मी टेल यू इट वर्क्स लाइक अ चार्म। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं उसको पंपाड़ रही हूँ, पंपाड़ इज अ वर्ड राइट, आई डोंट नो किसी गुजराती वर्ड होना टू डू व्हाट आई डू, इसलिए नहीं कह रही कि मैं जो है वो आई एम ट्राइंग टू गेट हिम और हर देयर, इट्स बिकॉज ये इसकी ट्रेट है। लोगों की अच्छी बातों को भी तो तारीफ करनी चाहिए ना भाई, हमारे यहाँ कितने कम लोग हैं कि वो क्रिटिसाइज करना कौन आ जाएंगे, ये अच्छा लग रहा है, पर ये नहीं मैं कहूँगी कि ये अच्छा लग रहा है, जो पहले है वो अच्छा लग रहा है, तो वो नहीं अच्छा लग रहा है। सो इफ आई टेल हर कि यार अमेजिंग ड्रेस यार ब्यूटीफुल है, झूठे अगर सही कर रहे होते ना इसके साथ, ऑसम वैसे अच्छी लग रही है सैंडविच, अब वो मेरी बात जो है बहुत कंस्ट्रक्टिवली देगी, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, वही वाली बात है ना कि बी स्पेसिफिक, शी आस्क्ड मी ना व्हाट विल लुक गुड विद अ राइट टेलर पंपीज, शी टेल मी आई डोंट वेयर पंपीज, बात खत्म हो गई, सही है। शी बेसिकली बट व्हाई the point of the conversation is कि आप जो क्रिटिसिज्म आ रही है आप उसको गलत ना लें, गिव द सामने वाला बंदा बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो सही कह रहा होगा, ठीक है। अगर आपको 90% श्योर है कि नहीं ये गलत ही कह रहा होगा, इट इज यू हैड अ कॉन्वर्जेशन, यू वेस्टेड सम एनर्जी अपनी, गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट मैन, गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट राइट, मुझे कुछ अपने लिए निकाल लेना, मैंने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, दिस विल स्टे विद मी। फोकस ऑन द सिचुएशन नॉट द पर्सन, आप जब किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन को क्रिटिसाइज करें, बंदे को नहीं, पर्सन को नहीं क्रिटिसाइज करें। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, किसी ने स्पीच की, जज बैठा हुआ उसने स्पीच की, स्पीच के बाद मैंने उससे कहा आई एम द जज, मैंने उससे कहा यार ये स्पीच जो है वो 30 मिनट्स की थी, आप 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, आप एक एक पॉइंट को इतना लंबा कर रहे थे कि जो है आप थोड़ा टाइम दूसरों का खा गए, सही है। इज दैट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वुड यू फील गुड अबाउट इट ना, इसी को मैं रिवर्ट करती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि यू नो आई वांट, बेसिकली द स्पीच वॉज 30 मिनट्स, यू टुक 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, यू हैड 5 पॉइंट्स, अगर आप हर पॉइंट को 5 मिनट देते, ठीक है, और आखिर के 5 मिनट स्पीच को रैपअप करने में लगाते, यू वुड हैव फिनिश्ड ऑन टाइम राइट, नाउ वुड यू टेक इट पॉजिटिवली, आई सेड द सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट वे, आई डिडंट से तुम ऐसे हो, आई सेड द सिचुएशन को कैसे फिक्स करना है राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू से। और मैं आपको एक बड़ी मजे की स्टोरी बताऊंगी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का फायदा कितना होता है, देखें, वही फोकस ऑन द सिचुएशन नॉट ऑन द पर्सन, द रिपोर्ट इज लेट वर्सेस यू आर लेट। अगर मेरे पास जो है मेरी कोई टीममेट या कोई टीममेट आता है और कहता है कि मैं से रिपोर्ट है, मैं कहती हूँ यू लेट, मतलब क्या था आपने रिपोर्ट लेट डिलीवर की, मैं भी तो कह सकती हूँ ये रिपोर्ट जो है लेट हो गई है, वर्सेस कि यू आर लेट, पर्सनल ना हो जाए, सिचुएशन को हैंडल करें, ठीक है, बी स्पेसिफिक, उस सीवाई वाली बात है कि वो जो बात है उस पर रहें, उसके आगे पीछे ना घूमें, गिव रेकमेंडेशन ऑन हाउ टू इम्प्रूव। जैसे मैंने कहा कि अगर आधे घंटे की स्पीच है, अगर तुम तुम्हारे पास 5 पॉइंट्स थे, अगर हर एक को 5 मिनट दिए होते और उसके बाद आखिरी 5 मिनट लबक किया होता तो यू वुड हैव फिक्स्ड इट, इट वुड हैव बीन ग्रेट। सो गिव रेकमेंडेशन ऑन हाउ टू इम्प्रूव, डोंट मेक अजम्पशंस, एस आउट ऑफ यू एंड मी, अजम्पशन इज व्हाट, व्हेन यू अज्यूम समथिंग इट मीन्स यू आर मेकिंग अ एस आउट ऑफ यू एंड आउट ऑफ मी। बिकॉज अगर मैं कहती हूँ कि अच्छा यार ये बंदा है या बंदी है ये जो है मुझसे जब बात करी उर्दू में तो उसका एक्सेंट बहुत डिफरेंट है, मैं कहूँगी उसको तुम पठान हो, वो बेचारी बंदी जो है वो कराची में कोई ज़िंदगी रही होगी
اسی گھر میں رہتی ہے, اس کے اماں ابا جس طرح بولتے ہیں وہ اسی طرح بولتی ہے, تو لیکن وہ اردو ساری زندگی اس نے اردو بولی ہو, ٹھیک ہے, اب یو نو تو وہ پلیز افینڈیڈ, رائٹ؟ سو پلیز ڈونٹ ایزیوم, بیکاز وین یو ایزیومنگ یو ار میکنگ این ایس آؤٹ آف یو اینڈ آؤٹ آف می, اوکے, سو دیٹ از واٹ دا ورڈ ایزیوم مینس. ایک اسٹوری سے اسٹوری اینڈ دین ول لیٹ دس اپ. اوکے, سو دیر واز اے جج, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے ایک پینل ایک اسپیچ کرنے بچے آئے تھے ان کو جج کر رہی تھی اس میں سے. اچھا یہ جو پینل تھا جو آیا تھا اسپیچ کرنے کے ڈفرنٹ اسٹوڈنٹس فرام ڈفرنٹ آفس یونیورسٹیز, وہ نیشنل لیول کا وہ تھا کمپٹیشن تھا, ٹھیک ہے, اور وہ بچے بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز سے آئے تھے. اس میں سے ایک بچی آئی تھی, وہ اس نے اپنے ریزیومے میں لکھا تھا کہ میں نے جو ہے وہ آگے جا کے ٹی وی پہ اینکر پرسن بننا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جج اس کو دیکھ رہی تھی اینڈ شی واز لائک کہ میں اس کو دیکھ رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ فمبل کر رہی ہے, اسٹمبل کر رہی ہے, اس کے پیر کانپ رہے ہیں, اور اس نے جو ہے وہ آگے جا کے ٹی وی پہ میں نے ان کو جو ہے اب دے ہیڈ ٹو گیو اے رینکنگ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس, سو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہی جیتتے ہیں, فورتھ ففتھ سکس جیتتے نہیں ہیں, اور ان کے جو ہے وہ یہ تھا کہ پہلا راؤنڈ ہے پھر دوسرا راؤنڈ ہے پھر تیسرا راؤنڈ ہے, جو جہاں پہ آپ جیتتے ہو یو کم فرسٹ یا مطلب یو ون دا کمپٹیشن, تو وہ پہلے راؤنڈ کی جج تھی اینڈ شی ہیڈ ٹو گیو آؤٹ آف سکس. جب اس بچی نے پریزنٹ کیا تو جتنا وہ گھبرا رہی تھی ظاہر بات ہے اس نے پریزنٹیشن بھی ایسے ہی کی. وٹ دا جج ڈیڈ از ان ہر ریکمنڈیشن ٹو دا گرل شی ڈنٹ گیو ہر اے سکس, شی گیو ہر اے فور اینڈ ٹولڈ ہر کہ تم بہت اچھا کر سکتی ہو اگر تم اپنا کانفیڈنس تھوڑا سا بوسٹ کر لو, اور جو ہے جب سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو تو تم بہت ہی اچھا پرفارم کر سکتی ہو. آئی سی دیٹ ٹریٹ ان یو بیکاز اینڈ یو ول نیڈ اٹ وین یو گو ان ٹو میڈیا اور تم جو ہے وہ ایکٹر بن گئی. یہ کہہ کے وہ باہر آ گئی, اس نے دے دیا شی ڈیڈ دیٹ اینڈ اس کے بعد وہ کہہ رہی میں کسی اور کلاس میں چلی گئی, میری اپنی بچی جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کر رہی تھی کسی اور اس میں, تو وہ میری بچی فرسٹ آئی اور میں اپنی بچی کو گلے سے رکھ کیا اور میں نے کہا کہ چلو ہم جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, وہ چلے گئے. جب وہ کہیں باہر نکل لگی تو وہ جو بچی تھی جس کو میں نے وہ کیا تھا بھاگتی میرے پاس آئی, اس نے اس آدھے گھنٹے کے ایونٹ میں بھی اس نے اس کو اتنا سیریسلی لیا تھا بیکاز شی واز سو یو نو شی واز سو شیور کہ مجھے اسی فیلڈ میں جانا ہے, مجھے یہی کرنا ہے, شی ہیڈ ہر مائنڈ سیٹ دیئر. تو کسی نے اس کو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم دیا اینڈ شی وان دا کمپٹیشن. اس کو اس جج کو نہیں لگا تھا کہ اتنی سی بات سے جو ہے پیپل نیڈ جسٹ اے اسمال پش. کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ میرا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے, دیٹس واٹ دا جج تھاٹ, بٹ اس آدھے گھنٹے میں اس بچے نے اس کو پروف کیا کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کتنا کام آتا ہے. صرف دا ورڈ کہ جی بی کانفیڈنٹ, لک ان ٹو دا پریزنٹرز, لک ان ٹو دا آڈینسز آئے, وہ جب اس نے کیا شی ون. سو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کا بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. آئی وانٹ اینڈ ود دس کوٹ, پڑھیں گے اس کو, اے اسٹرانگ وومن ول ایکسیپٹ بوتھ کمپلیمنٹ اینڈ کرٹیسزم گریشیسلی knowing that it takes both sun and rain for a flower to grow, right? So you need to understand that.